नून स्टूडेंट्स, आज हम एडवांस प्रोग्रामिंग इन सी के अंतर्गत ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि कुछ क्लास पहले हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें ढेर सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, जैसे चूंकि जूम ऐप के द्वारा हम लोगों ने पढ़ा था तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी, कनेक्टिंग प्रॉब्लम थी, वॉइस प्रॉब्लम थी। तो आज हम लोग फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ग्राफिक्स के। तो ग्राफिक्स फंक्शन, चूंकि हम लोगों ने ग्राफिक्स का ओवरव्यू पढ़ लिया है तो अब हम फंक्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि आखिरकार ग्राफिक्स के फंक्शन किस तरह से कार्य करते हैं। तो सबसे पहले एआरसी फंक्शन है। एआरसी फंक्शन को एआरसी अर्थात चाप कहा जाता है। इस फंक्शन का यूज एआरसी को ड्रा करने के लिए करते हैं। इस फंक्शन के अंतर्गत 5 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं। एआरसी एक्स वाई, स्टार्टिंग एंगल, एंड एंगल और रेडियस, ये 5 पैरामीटर्स पास किए जाते हैं जिससे हम आसानी से एआरसी ड्रा कर सके। और एआरसी का यूज करके हम लोग सर्किल को भी ड्रा कर सकते हैं, बशर्ते उसके एंगल को 0 से 360 रिस्पेक्टिवली मूव करना पड़ेगा, तब हम उसको ड्रा कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं एआरसी फंक्शन का एग्जाम्पल कि कैसे एआरसी फंक्शंस काम करता है। तो सॉरी सी का इन्वायरमेंट है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। आपके सिस्टम पे जो भी इन्वायरमेंट आपने रख रखा हो उसके अकॉर्डिंग करिएगा। तो एआरसी फंक्शन में सबसे पहले देखिए दो हेडर फाइल है, एक ग्राफिक्स डॉट एच है और दूसरी कोनियो डॉट एच है। और इसके बाद वाइड मेन फंक्शन के अंतर्गत एक पैर वो है इंटीगर जीडी, मतलब ग्राफिक्स ड्राइवर इक्वल टू डिडेक्ट, और जीएम मीन्स ग्राफिक्स मोड। इनिट ग्राफ फंक्शन 3 आर्गुमेंट्स इसके साथ पास किए जाते हैं, पहला ग्राफिक्स ड्राइवर का एड्रेस, दूसरा ग्राफिक्स मोड का एड्रेस और तीसरा वो पाथ जहां पर हमारा ग्राफिक्स ड्राइवर स्थित है। तो सी कॉलन बैक स्लैश टी सी डबल बैक स्लैश बी जी आई। अब यहां पर ए आर सी फंक्शन के अंतर्गत 5 आर्गुमेंट्स हैं, 100 100 एक्स और वाई, फिर स्टार्टिंग एंगल 0, फिर इंड एंगल 100 एंड 50, इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाता है। तो यहाँ पे 4 एआरसी फंक्शंस दिए हुए हैं, चारों को अलग अलग आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। तो देखिए रन करते हैं हम इसको, आप लोग की स्क्रीन में दिख रहा होगा कि अलग अलग देखिए, और अगर मैं एक और बढ़ा देता तो ये सर्किल बन जाता लास्ट वाला। तो इस तरह से हम इसमें सर्किल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग एआरसी फंक्शंस का यूज कर। नेक्स्ट फंक्शन है बार फंक्शन। बार फंक्शन इज यूज टू ड्रा ए टू डायमेंशनल रेक्टेंगुलर फील्ड इन द बार, मतलब एक टू डायमेंशनल रेक्टेंगल बना सकते हैं इसके द्वारा, लेकिन वो क्या होगा, फिल होगा। इसमें 4 आर्गुमेंट्स पास किए जाते हैं, इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट और इंट बॉटम। ये चारों आर्गुमेंट्स होते हैं, एक्स एच टॉप लेफ्ट, एक्स एच वाई एच टॉप लेफ्ट, एक्स एच राइट बॉटम और वाई एच राइट बॉटम। तो इससे हम लोग बार फंक्शंस को ड्रा कर सकते हैं। सिंटैक्स आप लोग देख पा रहे होंगे, बार इंट लेफ्ट, इंट टॉप, इंट राइट और इंट बॉटम। तो देखिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे।
किस तरह से ये काम करता है। आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा, राइट ए सी ग्राफिक्स प्रोग्राम टू ड्रा ए बार इंटीजर। ये यहाँ तक तो सेम लाइन है, इंटीजर जी डी इक्वल्स टू डिडक्ट और जी एम। यहाँ पर चार आर्गुमेंट्स जो उसके साथ पास करने हैं वो यहाँ पर हमने ले रखे हैं। इनको चाहे तो आप डायरेक्ट अभी वहाँ पास कर सकते हैं, इनको लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन चूंकि हम यहाँ पर आर्गुमेंट्स ले रहे हैं इसलिए हम आर्गुमेंट के थ्रू इसको पास करेंगे। तो इंट लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम, फिर ये वही कहानी है जो पिछले प्रोग्राम्स में थी। इनिट ग्राफ फंक्शन है, उसको तीन आर्गुमेंट्स पास किए गए हैं। तो बार लेफ्ट इक्वल्स टू 150, टॉप इक्वल 150, राइट 190, बॉटम 350। बार लेफ्ट मतलब एक बार हो गया, दूसरा बार हो गया, तीसरा बार हो गया, मतलब अलग अलग सभी का दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे तीन बार फंक्शंस लिए हुए हैं, इन तीनों बार फंक्शंस को एक साथ देखा जा सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे इसको हम किस तरह से पास किए हुए हैं कि राइट की वैल्यू क्या होगी, लेफ्ट की वैल्यू क्या होगी, बॉटम की वैल्यू क्या होगी और टॉप की वैल्यू क्या होगी। फिर वाई एच की लाइन है और एक्स एच की लाइन है। तो 150, 100, 350, 100, 350, 400 और 350, ये लाइंस के लिए। देखिए इसको रन करते हैं हम लोग। तो देखिए ये आपकी स्क्रीन पे बार एक चार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। इस तरह से ये वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है और तीन बार इसमें दिखाई देते हैं, चूंकि हमने तीन बार लिए। इससे अधिक अगर आप लेना चाहें तो अधिक भी ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे लाइन फंक्शन। तो लाइन फंक्शन इज यूज टू ड्रा ए लाइन फ्रॉम पॉइंट एक्स वन वाई वन टू पॉइंट एक्स टू वाई टू, मतलब एक्स वन से वाई वन और एक्स टू से वाई टू, एक लाइन को ड्रा करने के लिए। तो लाइन फंक्शन सिंटैक्स आपको दिख रहा होगा, इंट एक्स वन, इंट वाई वन, इंट एक्स टू और इंट वाई टू। इसी के साथ दो प्रोग्राम, एक प्रोग्राम और हम देखेंगे। तो लाइन टू फंक्शन है और मूव टू फंक्शन है। इसमें उसमें इसमें हमारे हिसाब से लाइन चलेगी, पिछले वाले फंक्शन में अपने हिसाब से लाइन चलेगी। तो यहाँ पर करंट पोजीशन जिसको सीपी कहते हैं वो एक्स वाई होती है, और आप करंट पोजीशन से जहां तक अपनी लाइन को लेके जाना चाहते हैं वहां तक अपनी लाइन को लेकर जा सकते हैं। तो देखिएगा आप लोग किस तरह से हम लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन में एक प्रोग्राम दिखेगा भी, थोड़ा सा ये लाइन ये लाइन सी। तो लाइन फंक्शंस को हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा ये। ठीक है, तो आप देखिए ये यहां तक कहानी वही है पुराने प्रोग्रामों की। यहां लाइन पे 100, 100, 200, 200, एक्स वन वाई वन और एक्स टू वाई टू का कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी बताया था पिछले उसमें। तो देखिए इसको रन करके ये आपको लाइन यहां पर दिख रही होगी। तो इस लाइन को आप देखिए, एक्स वन और वाई वन, एक्स टू और वाई टू के हिसाब से लाइन दिख रही है। अब हम इसी को एक, मैंने बताया कि ये अपने अकॉर्डिंग आती है, हम अब अपने मतलब हम सेट करके एक लाइन ले रहे हैं। तो उसको
देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मूव टू 6060, लाइन टू 560, मूव टू 8080, लाइन टू 4080। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे अपन कर पा रहे हैं इसको। ये आपको दो लाइनें दिख रही होंगी आपकी स्क्रीन में, इस तरह से हम लाइन को इस पे ड्रा कर सकते हैं। जिसे हम सर्कल फंक्शन कहते हैं। सर्कल फंक्शन इज यूज टू ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर एक्स वाई एंड थर्ड पैरामीटर स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ द सर्कल। मीन्स हम किस तरह से सर्कल को बना सकते हैं, तो इंट एक्स और इंट वाई, मतलब एक्स और वाई और इंट रेडियस, किस उस पर हमको सर्कल फंक्शन को बनाना है। तो देखिए आप किस तरह से सर्कल फंक्शन काम कर, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये सर्कल फंक्शन में पूरी कहानी वही है, सिर्फ सर्कल का कोड यहां पर 100 150। तो देखिएगा आप, ये आपकी स्क्रीन पे एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल को आप देखिए इस तरह से सर्कल इस पर डिजाइन किया जा सकता है। रेक्टेंगल फंक्शन मतलब जैसे कि बार हमने बनाया था वो फील्ड था, और यहां पर विदाउट फील्ड हम एक वो बनाएंगे जिसको कि हम लोग रेक्टेंगल फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो इसमें क्या क्या पास किया जाता है, लेफ्ट टॉप राइट और बॉटम, चार आर्गुमेंट उसमें भी पास किए जाते हैं, चार आर्गुमेंट इसमें भी पास किए जाते हैं। बस अंतर इतना होता है कि वो फील्ड होता है और ये फील्ड नहीं होता है। तो देखिए किस तरह से हम लोग सर्कल को डिजाइन, देखिए रेक्टेंगल और बार, यहाँ पे एक्चुअली बार भी मैंने रख दिया ताकि आपको पता चले कि रेक्टेंगल और बार में क्या डिफरेंस है। तो 50 100 100 50 और 250 150 100। देखिए आप लोग, आपकी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, एक एक रेक्टेंगल है, पहला वाला रेक्टेंगल और दूसरा वाला आपका बार है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि रेक्टेंगल और बार एक जैसे होते, बस दोनों में अंतर इतना होता है कि उसमें हम लोग फील्ड आता है बार हमारा, जबकि ये विदाउट फील्ड रहता है। ठीक है, अब प्रोग्राम्स मैंने आपको कराए हैं फंक्शन के साथ, इनको आप लोग करिएगा प्रैक्टिकल। जहां पर किसी कोई समस्या